नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो एंट्री कहाँ पर लेना है और एक्चुअली मार्केट पर एग्जिट कब करना है। एग्जिट इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग एंट्री तो सही जगह पे ले लेते हैं बट कभी कभार हम लोग सही जगह पे एग्जिट नहीं कर पाते। सही जगह पे इसका मतलब क्या है? बैंक निफ्टी में हम लोग हार्डली 150, 200, 300 पॉइंट तक एक्सपेक्ट करते हैं बट कभी कभार मार्केट 700, 800, 1000 पॉइंट भी मूवमेंट कर जाता है। बट हम लोग उस दिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उस प्रॉफिट को नहीं ले पाते। तो आपको अगर पता होता है जो एग्जैक्टली मार्केट को छोड़ना कब है तो जिस दिन मार्केट आज का जैसा रैली दिया है उस दिन उस रैली को आप टोटली ले पाएंगे और आप एक दिन में पूरा हफ्ता का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा जो एंट्री कैसे लिया, कौन सा पॉइंट पर लिया और एग्जिट के लिए मुझे क्या फॉलो करना था। वीडियो शुरू करने के पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसा हम लोग एलएस ब्लू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। एलएस ब्लू का तरफ से आपका पास फोन चला जाएगा, मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, अगर आपको लग रहा है आपका एग्जिस्टिंग ब्रोकर से एलएस ब्लू आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए देखते हैं आज का बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस। ये जो व्हाइट कलर का डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है ये डे सेपरेटर लाइन है, मतलब मार्केट यहां पर आज को ओपन हुआ था। फर्स्ट कैंडल है आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू कैंडल मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और ब्लू कैंडल बनने का बाद नेक्स्ट कैंडल पे ही कॉल बन जाएगा। जैसे कोई कॉल बनता है आपका स्क्रीन का ऊपर इस टाइप का एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा साउंड के साथ, जहां पर उसका डिटेल्स लिखा रहेगा। देखिए यहां पर लिखा है गेट रेडी टू सेल बैंक निफ्टी एट द रेट इन दैट वैल्यू। तो आपका सामने जो चार्ट खुला है उसमें भी, जो चार्ट आपका सामने खुला नहीं है बैकग्राउंड में चल रहा है उसमें भी कोई कॉल बनेगा इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। आपको कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं है ये, या फिर वन बाय वन स्क्रिप्ट खोल के देखने का भी जरूरत नहीं है। जब तक आप इस मैसेज बॉक्स को देख नहीं लेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तब तक ये मैसेज बॉक्स जाएगा भी नहीं। जैसा मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। सिग्नल मतलब कौन सा, ये जो रेड कलर का एरो बना है ये सिग्नल है। एक बार सिग्नल बन गया तो सिग्नल फिक्स्ड हो जाता है, भले वो टारगेट मिले या ना मिले। बोथ इंडिकेटर क्या होता है, सिग्नल आने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाने से सिग्नल गायब कर देता है, बट हम लोग का यहाँ पर रिपेंट होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सिग्नल जैसे ही बना बॉक्स का अंदर देखिए उसका डिटेल्स लिख के आ गया है, जो कौन सा वाले में सिग्नल दिया है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बट क्वेश्चन ये है जो क्या ये सेल का कॉल सही था, इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है, कैसे आपको पता चलेगा? उसके लिए आपको टोटल चार कंडीशन हम लोग का देखना पड़ेगा। अब वो चार कंडीशन क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा। सेल का कॉल तो यहाँ पर मिल गया है बट इस कैंडल पे मुझे एक कंडीशन मैच होते हुए दिखाई दे रहा है। एक कंडीशन कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको एक्चुअली यहाँ पर दो पतला पतला ग्रीन लाइन है, ये जो दोनों ग्रीन लाइन है ये देखिए ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा सेलिंग का टाइम। बाइंग का टाइम ये दोनों लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ग्रीन हो जाता है, सेलिंग का टाइम ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, रेड हो जाता है। जिस टाइम सिग्नल बना था ये कंडीशन मैच था एक, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, सेकेंड कैंडल के लिए वेट करूँगा। सेकेंड कैंडल पे यहाँ पर एक स्टार बना, मतलब स्टार भी हम लोग का एक कंडीशन है। अब स्टार पहले बन जाता तो बेटर रहता, बाद में भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर बना स्टार, नीचे का रिबन यहाँ पर रेड हुआ है, पहले देखिए ग्रीन था, ग्रीन मतलब बायर स्ट्रांग है, रेड मतलब सेलर स्ट्रांग है। तो सेकेंड कैंडल पे और दो कंडीशन मैच हुआ, अभी भी एक कंडीशन मैच नहीं है, वो है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। देखिए लाइन इंडिकेटर का कलर रेड तो है, रेड मतलब सेलर्स बढ़ रहा है, बट जब तक ये लाइन व्हाइट को नहीं तोड़ेगा तब तक आप स्ट्रांगली सेलिंग जोन में नहीं घुसे। तो इस कैंडल का बाद इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू, या फिर आप कंसेप्चुअली देखेंगे इस कैंडल पे ये लाइन जीरो को तोड़ा है। तो जब तक वो लाइन जीरो को नहीं तोड़ता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जिस टाइम ये कैंडल इस लाइन, देखिए जिस कैंडल के ऊपर मैं अभी क्लिक किया हूँ उस कैंडल का वैल्यू है 604, आपको सेल का कॉल दिया था 669 पे। तो इसका मतलब क्या है, जो 669 पे ही ट्रेड करना है ऐसा नहीं है, कंडीशन जब तक मैच नहीं होगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इस कैंडल पे मेरा कंडीशन मैच हुआ है तो मैं इस कैंडल तक वेट करूंगा, उसका बाद ही सेल करूंगा। थोड़ा सा बाद में एंट्री लीजिए बट कॉल कंफर्म होना चाहिए।
तो यहां से एंट्री लेने का बाद देखिए मार्केट रैपिडली गिर रहा है, आज को लंबा प्रॉफिट देखे गया है, टारगेट वन टारगेट टू टारगेट थ्री पूरा हिट करके अभी भी गिर रहा है। अब इस टाइप का सिचुएशन में हम लोग ज्यादा देर तक मार्केट वेट नहीं करते, हम लोग 200 250 300 पॉइंट का बाद ही पैनिक ले लेते हैं और मार्केट को छोड़ देते हैं और बाद में देखते हैं मार्केट 700 800 पॉइंट का मूवमेंट देखेंगे। तो ये मूवमेंट कब तक अब ले पाएंगे, एक्चुअली एग्जिट करने का नियम क्या है, यहां पर हम लोग का जो सॉफ्टवेयर में यहां पर आपको नीचे में एक लाइन इंडिकेटर जिसका मैं बात कर रहा था, ये लाइन इंडिकेटर यहां पर वाइड लाइन को तोड़ के नीचे आया। अभी देखिए लाइन का कलर ग्रीन होना शुरू किया है, बट जब तक ये लाइन इंडिकेटर जीरो को दोबारा नहीं तोड़ेगा तब तक आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज मिडिल में आपको दो पिंक लाइन दिखाई देगा जो अभी भी पिंक होके चल रहा है, जब तक ये दोनों पिंक लाइन आपस में क्रॉसओवर होके ग्रीन नहीं होता है तब तक आप वेट कर सकते हैं। तो ये अभी भी आपको एग्जिट करने के लिए नहीं बताया गया है, बट हम लोग क्या होते हैं 200-300 पॉइंट का बाद पैनिक लेके निकल जाते हैं, जो मैक्सिमम मुझे मिल गया है और मैं रिस्क नहीं लूंगा। बट कभी कभार मार्केट 700-800 पॉइंट का भी रैली देके जाता है और उस दिन वो रैली आपको उठाना चाहिए। तो अभी भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम लोग का एग्जिट पॉइंट नहीं दिया है, हर रोज मार्केट ऐसा नहीं रहेगा, जिस दिन मार्केट अच्छा रहेगा उस दिन मार्केट से ले लेना चाहिए मैक्सिमम। जिस दिन कभी कभार तो हम लोग देखते हैं मार्केट में अच्छा मूवमेंट नहीं होता है, कॉल भी अच्छा नहीं मिलता है। अगर किसी दिन आप एक दिन में पूरा हफ्ता का प्रॉफिट बना ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से बना लेना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आया है जो ये सॉफ्टवेयर क्या कैसे वर्क कर रहा है। अभी ये लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट अपडेट हो रहा है। इस मोमेंट में भी अभी देखिए आप 600 पॉइंट का प्रॉफिट में है, अभी भी मार्केट डाउन में है, अभी भी मार्केट जा सकता है नीचे। अभी तो जस्ट 12:40 का टाइमिंग है, 12:40 आगे चल के क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। नीचे का जो लाइन है देखिए ग्रीन होके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अभी भी ये लाइन जीरो का ऊपर नहीं गया है और ना ही मिडिल का दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर होके ग्रीन हुआ है। तो एंट्री जैसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा 500-600 पॉइंट मिलेगा ऐसा नहीं, कभी कभार हम लोग देखते हैं 70-80 पॉइंट में भी मार्केट को रिवर्स कर देता है और हम लोग का सॉफ्टवेयर वहां पर एग्जिट करा देता है। तो एंट्री एंड एग्जिट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है एंट्री पे जैसे फोकस कर रहे हैं एग्जिट पे भी फोकस कीजिए। अगर एंट्री एंड एग्जिट दोनों परफेक्ट हुआ तब जाके आप एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा जो आपको मेरा सर्विस मेरा सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, ताकि जो न्यू क्लाइंट को इसका बारे में एक आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।